मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री राहुल भारती जी, तरुण अग्रवाल जी, परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और परिवहन विभाग के माध्यम से आज प्रदेश को बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ के लिए मारुति सुजुकी के साथ में MOU अभी यहां पे संपन्न हुआ है। परिवहन निगम की 50 बसेस को फ्लैग ऑफ करना है। परिवहन विभाग के 38 इंटरसेप्टर वाहनों और 12 पब्लिक सिटी वैन के फ्लैग ऑफ के कार्यक्रम के साथ ही यहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत जिन उपभोक्ताओं ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रय किया है, उन्हें प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले इंसेंटिव की राशि का आज यहाँ पे वितरण हुआ है। इस अवसर पर इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं परिवहन विभाग को और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए अन्य जितने भी, चाहे वह मारुति सुजुकी हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी से लाभान्वित होने वाले नागरिक हैं, इन सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश सरकार ने जो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी निकाली है, इसमें वाहन रजिस्ट्रेशन के समय टैक्स और फीस में 100% की छूट, पंजीयन के समय डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वाहन स्वामी को हम प्रदान कर रहे हैं और यह अक्टूबर 27 तक यह व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रय सब्सिडी योजना के अंतर्गत भी एक नया वेब पोर्टल विकसित किया गया है और इसके माध्यम से भी हम लोगों ने व्यवस्था की है कि किसी भी क्रेता को क्रय सब्सिडी इस प्रभावी अवधि में एक ही बार जो अनुमन्य होनी है, यह 13 अक्टूबर 24 तक के लिए हम लोगों ने इसे प्रभावी किया है। आवेदनकर्ता को आवेदन की अद्यतन स्थिति इस पोर्टल पर देखने की सुविधा भी है। आवेदन के सत्यापन संबंधी डीलर और पंजीयन अधिकारी द्वारा किए जाने के पश्चात ही यहाँ पे जो क्रय में हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं उसका भुगतान, और यह भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है। यह सुविधा भी हम लोग इसके माध्यम से दे रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी की जो आज की स्थिति है, वह 4110 लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ आज दिया जा रहा है, जिसमें 13,11,00,000 रुपये का सब्सिडी वितरण हुआ है, जिसमें 10 लाभार्थी अभी मंच पर भी आए थे। दूसरा, यहाँ पे जो भी अनुबंध हुआ है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के साथ मारुति सुजुकी का, जिसमें ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के ऑटोमेशन और मेंटेनेंस हेतु तो आज जो ये MOU यहाँ पे संपन्न हुआ है, इसके अंतर्गत प्रदेश के अंदर दक्ष और कुशल चालकों को तैयार किया जा सके, इसके लिए 16 जो हमारे कमिश्नरी मुख्यालय हैं वहाँ पर ITI परिसर में ड्राइवर ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसमें एक को छोड़ करके बाकी अन्य स्थानों पर हमें हमारा जो ये कार्य है ये लगभग पूरा किया जा चुका है। इन इंस्टीट्यूट के सिविल कार्य पर जो कुल धनराशि खर्च होनी है, उन सबको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और इसी जिससे आज टेस्टिंग ट्रैक की डिजाइन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे के द्वारा तैयार की गई है और वर्तमान में इन इंस्टीट्यूट
में मैनुअल टेस्टिंग के साथ ड्राइवर लाइसेंस निर्गमन जो हम यहाँ से निर्गत कर रहे हैं, यह कार्य भी इन सभी सेंटर से किया जा रहा है। और आज इसी दृष्टि से देश की प्रमुख वाहन निर्माता जो कंपनी है मारुति सुजुकी के साथ, यहाँ पर वह पांच जो हमारी DPTI गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा, इसके टेस्टिंग ट्रैक का ऑटोमेशन, वीडियो एनालिटिक, बेस्ट कैमरे के माध्यम से किए जाने का जो प्रस्ताव किया गया है, उस कार्यक्रम को परिवहन विभाग के साथ मिलकर के मारुति सुजुकी के मध्य यह MOU 7 वर्ष के लिए आज यहाँ पे हस्ताक्षरित भी किया गया है, जिसमें प्रति इंस्टीट्यूट लगभग 6.5 करोड़ रुपए मारुति सुजुकी के द्वारा लगाया जाएगा और 3 वर्ष तक उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था भी मारुति सुजुकी के द्वारा इन 5 इंस्टीट्यूट पे होगा। यह एक अच्छी शुरुआत है और मैं मारुति सुजुकी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ, परिवहन विभाग के माध्यम से भी, कि हमें दक्ष और कुशल ड्राइवर भी मिलेंगे और साथ साथ वहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी बेहतर लाभ यहाँ पे प्राप्त होगा। मित्रों, हमारे सामने जो आज के दिन पे सबसे बड़ी चैलेंज है वह है सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें। परिवार के परिवार समाप्त हो जा रहे हैं, परिवार का युवा सदस्य इस आपदा का शिकार होता है, दुर्घटना का शिकार होता है और उन स्थितियों में अनेक तरीके से हम लोगों ने लगातार इस पे बैठकें की हैं। अभी कुछ देर बाद हम लोग इस संबंध में प्रदेश स्तर की एक बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं, लेकिन ये हम सबके लिए चैलेंज है। ज्यादातर दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग के साथ होती हैं। जब हम सड़क की इंजीनियरिंग उस लायक नहीं होती है कि वह वाहन की स्पीड उस सड़क के अनुरूप है तो दुर्घटना का कारण बनता है, या ड्राइवर दक्ष और कुशल नहीं है तब भी ये समस्या आती है, चाहे वह रोड इंजीनियरिंग का हो, चाहे वह मानव जनित किसी गलती के कारण हो, या फिर और भी तमाम कारण हो सकते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा आज यहाँ पे परिवहन विभाग को 38 स्कॉर्पियो इंटरसेप्टर वाहन जो क्रय किए गए हैं, जो सड़क सुरक्षा कोष से क्रय किए गए हैं, उस दृष्टि से इस इंटरसेप्टर वाहन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त जो स्पीड लेजर गन ENPR कैमरे लगाए गए हैं, जिससे वाहनों की ओवर स्पीडिंग की जांच के साथ ही साथ हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रिपल राइडर का नंबर प्लेट की भी जांच इसके माध्यम से की जा सकेगी। इंटरसेप्टर वाहन में पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाया गया है, अगर आपको कोई मैसेज करना है तो आप उसके माध्यम से पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी उपयोग कर सकते हैं। वाहन की बाहरी बॉडी पर रिफ्लेक्टिंग टैप से ब्रांडिंग की गई है, जिससे कि अंधेरे में भी गाड़ी दूर से ही ये दिखाई दे सकती है। और इस कंपनी को जो वाहन निर्माता कंपनी है महिंद्रा के द्वारा बनाया गया है, डकन ड्राइविंग की चेकिंग हेतु 558 ब्रेथ एनालाइजर भी इसमें हमने साथ रखे हैं और 38 वाहनों के क्रय पर प्रति वाहन इसमें जो धनराशि की व्यवस्था भी हम लोगों ने पहले से यहाँ पे की है और यह भी यहाँ पे हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा के प्रचार के लिए पब्लिसिटी वैन का भी एक कार्यक्रम आज प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में हम लोग बैठक करेंगे तो उससे पहले एक कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चले। परिवहन विभाग को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए जिसमें 12 प्रचार वाहन LED स्क्रीन के साथ में, और खासतौर पर हमारा प्रयास होना चाहिए चौराहों पर, स्कूल कॉलेजेस में भी अगर जाएं तो सभी बच्चे एक जगह बैठें, वहां पर उनके सामने इस वैन का प्रदर्शन हो। गाँव में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर, यहां पे हमें सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों के बारे में लोगों को बताना, यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करना, ये सभी चीज़ें होंगी। उसमें वीडियो
और पिक्चर के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारी चीजें जानकारी वहां पे उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। परिवहन विभाग प्रदेश के अंदर ट्रांसपोर्ट का एक प्रमुख माध्यम भी है और हम सब जानते हैं कि परिवहन विभाग के पास अगर अपना बसेस का बेड़ा नहीं होता, याद करिए प्रयागराज कुंभ में परिवहन विभाग ने बेहतरीन सेवाएं दी थी। पहली बार कुंभ का वास्तविक अर्थ देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को लगा था जब 1 किलोमीटर से भी कम, संगम से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी तक पहुंचाने का काम परिवहन विभाग कर रहा था और बेहतरीन सेवा दे रहा था। और इसके कुछ ही महीनों के बाद, यानी लगभग 1 वर्ष के बाद, देश और दुनिया को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना करना पड़ा था और लगभग 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के और 60 लाख कामगार और श्रमिक अन्य प्रदेशों के, इन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उस समय परिवहन निगम ने जो सेवा की थी, परिवहन विभाग के वाहनों से जो सेवा हुई थी, वह अवर्णनीय है, अभिनंदनीय है। हर एक व्यक्ति ने उसकी तारीफ की थी। इस दृष्टि से आज यहां पर परिवहन विभाग के बेड़े को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए यहां पर प्रदेश सरकार ने पहले इनको 400 करोड़ रुपए की एक पूंजी इनको उपलब्ध कराई है। बजट में हमने इसका प्रावधान किया है, जिसमें BS6 डीजल बसेज में आज 51 बसेज का शुभारंभ भी हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं, जिसका उपयोग NCR रीजन में करेंगे। NCR रीजन आप जानते हैं कि NGT की दृष्टि भी और इस रीजन में पॉल्यूशन की दृष्टि बहुत संवेदनशील रीजन है और उस क्षेत्र में वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम लोग यह कार्यक्रम वहां पे करने जा रहे हैं। आज यहां पे जो MOU संपन्न हुआ है, यह ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को भी प्रशिक्षण देने का एक माध्यम बनेगा। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में जो महिला स्वयंसेवी समूह हैं, उन्हें ड्राइविंग के साथ जोड़ने, और अब तो महिलाएं हर एक क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से परिवहन निगम ने अभी पिछले दिनों अयोध्या में भी इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि परिवहन निगम की बसेस का संचालन महिला चालक और परिचालक दोनों महिलाएं हैं। यह भी हम लोगों ने बहुत सारी जगह देखी हैं। ये सभी कार्यक्रम आज यहाँ पर उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम, जिससे रोजगार के सृजन के अनेक संभावनाएं बनेंगी, इन सभी संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। चाहे वह रोजगार से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह कार्बन एमिशन को प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, उनके विजन के अनुरूप आगामी कुछ वर्षों का लक्ष्य लेकर के हम इसे 0 तक पहुंचाने की लक्ष्य दिशा में कार्य कर सकें, उस दृष्टि से अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हर व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है। आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति ने वाहन खरीदे हैं, सरकार उसमें सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है और सब्सिडी का साथ उनको रजिस्ट्रेशन में भी छूट मिल रही है, साथ साथ सरकार के द्वारा सब्सिडी भी उनको उपलब्ध करा जारी है। ऐसे ही हम लोग स्कूल बसेस के लिए भी कर रहे हैं। मैंने तो परिवहन विभाग से कहा है कि आप एक ओपन पॉलिसी निकालिए, निकाल करके प्रदेश भर के जितने भी युवा ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आना चाहते हैं, मेरा अनुमान है उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख इलेक्ट्रिक बसेस की आवश्यकता है आज के दिन पे। और अगर इसे हम गांव गांव को जोड़ दें तो 1 लाख अतिरिक्त बसेस की आवश्यकता पड़ेगी। 2 लाख इलेक्ट्रिक बसेस अकेले यूपी के मार्केट की आवश्यकता है आज के दिन पे। रोजगार का सृजन भी होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा भी लोगों को प्राप्त होगी और साथ साथ हम लोग कार्बन इमिशन को 0 तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री जी के विजन को भी लागू करने में हमें मदद मिलेगी। सरकार की इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की अपनी पॉलिसी है, जिसमें हम लोग 20 लाख तक का सरकार के द्वारा इंसेंटिव भी उपलब्ध करवा रहे हैं, वन टाइम इंसेंटिव दे रहे हैं और इसका भी लाभ लोगों को लेना चाहिए। जो क्रय करेगा उसको एक बार अगर याद करिए, 80 लाख 1 करोड़ की अगर आप कोई बस खरीदते हैं, 20 लाख रुपये सरकार आपको दे रही है, तो आपको डीजल का खर्चा नहीं, रिपेयरिंग का खर्चा नहीं, अन्य कोई सामान्य खर्चे भी नहीं आपके, तो डीजल चोरी की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी और साथ साथ आप समाज को भी पॉल्यूशन नहीं देंगे बल्कि ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा दे पाएंगे।
कोई आवाज नहीं, ना उससे आवाज होती है ना धुआं होता है। बहुत शानदार तरीके से गाड़ी चलती है अपनी सड़कों पर, और मुझे लगता है कि इस दिशा में एक नई पॉलिसी ला करके प्रदेश भर में स्कूल कॉलेजेज हो या फिर प्रदेश में परिवहन के साधन के रूप में, हमें इसे जगह जगह पेट्रोल पंप जो दिखाई दे रहे हैं, हर पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग मशीन लगा देनी चाहिए, चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर देना चाहिए। तेजी के साथ इसको बढ़ाइए, उत्तर प्रदेश इस दिशा में लीड करें। इसके लिए चाहे वह कार्यक्रम हो, चाहे ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस की सुविधा उपलब्ध करवाने का हो, या फिर सड़क दुर्घटनाओं से रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को आगे बढ़ाने का, परिवहन विभाग के द्वारा किए जा रहे सभी प्रयास सफलीभूत हों। इस उद्देश्य आज यहाँ पर कुछ ही देर में हम लोग जो सड़क सुरक्षा से संबंधित मीटिंग करेंगे, मैं इसके माध्यम से भी कहूँगा कि और लखनऊ तक और पाँच कालीदास तक सीमित करें, ये पूरे प्रदेश में हर एक जनपद में होने चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में इसके कार्यक्रम होने चाहिए, हर गांव हर शहर में इसके होर्डिंग बैनर और इससे जुड़े हुए व्यापक जन जागरूकता के कार्यक्रम भी लगने चाहिए, जिससे हम लोग एक एक व्यक्ति की जान को बचा सके। याद करिए कोरोना कालखंड में पूरे प्रदेश में 2 वर्ष में 24,000 से कम लोग मरे, लेकिन दुखद है कि अकेली सड़क दुर्घटना में प्रतिवर्ष प्रदेश में 20,000 से 22,000 लोगों की मौत होती है सड़क दुर्घटना मात्र से। हम इसको इनकी इन अमूल्य जानों को बचा सकते हैं, थोड़ा प्रयास करना होगा, सरकार भी चले आप भी चले, समाज का हर व्यक्ति इसके प्रति जागरूक हो, ओवर स्पीडिंग से बचें, नशे में वाहन न चलाएं, सड़क नियमों का पालन करें, और जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं वे भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए कार्यक्रम कर पाएंगे तो हम लोग इसमें देश की बड़ी सेवा कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से परिवहन विभाग को, मारुति सुजुकी को, और इससे जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अन्य सभी महानुभावों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। और अब